तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत रश है, पेरूची वाड़ी और ट्रीज के दिख रहे हैं यहाँ से, तो पूरा गांव का फील आने वाला है अंदर। बट ओवरऑल यहाँ बहुत रश है और कार की पार्किंग भी यहाँ ऑलमोस्ट फुल है, तो देखते हैं अंदर जाके कैसे लगता है। तो गाइस ये एंट्री है इसका, और हाँ यार यूज मास्क, दिमाग खराब प्रोटोकॉल अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज, सनफ्लावर और पूरा पेरू का बगीचा है, जैसे पेरूची वाड़ी मतलब गवा फार्म ही है इनका, यही कंसेप्ट है। ओवरऑल बहुत ग्रीनरी है, नाइस ऑक्सीजन भी मिलेगा यहाँ सड़क के साथ फ्री, बट ओवरऑल सही लग रहा है। पेरूची वाड़ी इसका जो नाम है, और बहुत यूनिक है कंसेप्ट, ट्रीज से सराउंडेड है। तो गाइस यहाँ बर्ड्स भी रखे हुए पूरा फील लाने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही पीस, और इतने पीस एनवायरनमेंट में खाने का मज़ा ही कुछ यूनिक होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ बर्ड्स रखे हुए, और जैसे कि हमारे दोस्त यहाँ बैठ गए तो अभी ऑर्डर करेंगे हम, और आपको पता है कि टेस्ट कैसा है। तो गाइस हमने अभी चार मिसल पाव, एक गुड़ की जलेबी मतलब जागरी की जलेबी, और एक कांदा भजी ऑर्डर किया है। देखते हैं अभी, जिसके आप देख सकते हो बहुत रिच फील है यहाँ, तो ये आएगा अभी और बताएगा आपको टेस्ट कैसा है। तो गाइस हमारी मिसल आ गई है, स्टार्टिंग के प्लेट में हमें पापड़, पाव, दही और ऑनियंस है, और ये एडिशनल प्लेट दी है जिसमें ब्राउन नट्स, मटकी, बारीक सेब और जाड़ी सेब दिखाई दे रही है। अभी रस्सा आना बाकी है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है, और कंटेंट वाइज तो बहुत ही सही दिया हुआ है, मतलब मिसल में ये तो बेसिक कंटेंट होता है। तो गाइस ये रस्सा आ गया, दो रस्सा दिया है और एक तरी, ये स्पाइसी होती है क्या, और ये रस्सा है मैं तरी बहुत ही कम डालने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम गाइस मैंने तरी डाली थी और बहुत ही स्पाइसी थी, तो इसलिए इस बार थोड़ी सी तरी डाला हुआ टेस्ट के लिए। तो गाइस जैसे देख सकते हो इसका पाव बहुत ही बड़ा है इन साइज, आई थिंक मोर देन 10 cm by 10 cm। अभी ट्राई करते हैं इसका टेस्ट। ये हमारा कांदा भजी भी आ गया है मीनवाइल, इसके साथ तीखी चटनी और मिर्ची भी दी है, दिखने में बहुत बढ़िया है, बट हम फिर भी पहले मिसल ही ट्राई करेंगे, ज़्यादा लालची नहीं बनेगी इसके। अभी ये मिक्स करने के बाद अगेन नासिक स्टाइल दो हाथों से गाइस बहुत बढ़िया है, और तो लग रहा है थोड़ा पेरू ऐड किया हुआ टेस्ट के लिए, बट ओवरऑल इसका जो तर्री है और रस्सा है ये यूनिक फ्लेवर है, मतलब मैंने उससे पहले ये वाला टेस्ट ट्राई नहीं किया, बट बहुत बढ़िया लग रहा है। पाव पे भी बटर लगाया हुआ है। अभी टाइम टू ट्राई कांदा भजी विथ मिर्ची, पता नहीं रोज होगा इसके बाद, बट आई एम स्टिल टेकिंग द रिस्क। बहुत ही बढ़िया, क्रिस्पी है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, प्रॉपरली क्रिस्प है। इस बार मिर्ची चटनी के साथ ट्राई करते हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब मिर्ची के साथ भजी खाने का मज़ा ही कोई और है, और इतने नाइस ब्यूटीफुल फार्म में बर्ड्स का आवाज़ सुनते सुनते, म्यूजिक का आवाज़ सुनते खाने का कोई अलग ही मज़ा आ रहा है। तो गाइस टेस्ट वाइज आई वुड से नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, बट ओवरऑल फैमिली के साथ आते हो, फ्रेंड्स के साथ आते हो, तो एम्बियंस बहुत एंजॉय करोगे। अगेन पेरूची वाड़ी नासिक। तो गाइस ये पेरू आइसक्रीम आ गई है, तो जैसे महाराष्ट्र में पेरू के साथ ये मिर्ची और नमक डाल के खाया जाता है, तो इधर भी वही कंसेप्ट आइसक्रीम के साथ, तो हम आइसक्रीम पे थोड़ा सा ये डालेंगे मसाला, और ये आजकल कॉमन ट्रेंड हो गया है कि आइसक्रीम में ये मिर्ची और नमक का कॉम्बिनेशन, देखते हैं कैसे लगता है। पेरू के बगीचे में पेरू के आइसक्रीम खाने का क्या फील ले लेते हैं आप। अमेजिंग गाइस, ऐसे लग रहा है मैं पेरू खा रहा हूँ, क्योंकि वही टेस्ट यहाँ के लोगों के टेस्ट में है, तो ऐसे लग रहा है पेरू ही खा रहा है, आइसक्रीम का फील ही नहीं आ रहा है इसमें, लिटरली लग रहा है ठंडा पेरू खा रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, नाइस, बहुत फेमस है यार, आके ट्राई कीजिए, लास्ट में डेजर्ट के तौर पे बहुत ही बढ़िया चीज़ है खाने के लिए। थैंक यू। तो गाइज हमने पेरू आइसक्रीम खाने के बाद सोचा कि पेरू जूस मंगाते हैं,
तो ये है पेरू जूस है, हमारे दोस्त पी रहे हैं मन लगा के। तो कैसे लग रहा है पेरू का जूस गाइस? यहाँ पे अगर कभी भी आओगे तो ये कभी भी लेना नहीं गाइस, इट सक्स, इट रियली सक्स। मतलब पेरू का जूस पेरू के बगीचे में सेट ही नहीं हो रहा, बाकी हर चीज़ सेट हो चुकी है, बट पेरू का जूस मत ट्राई करना, थैंक यू। सो गाइस यहाँ शॉप्स भी है छोटे अंदर, जैसे कि पेरू का शॉप है, ये टैटू का शॉप है, तो अंदर पान वाले का भी शॉप है, तो अंदर एक छोटी सी सिटी बना दी है। और पेट्स भी रखे हैं इन्होंने, जैसे वहाँ रैबिट्स दिख रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है यहाँ के लोगों के लिए, या फिर स्टूडेंट्स को, उनको बहुत मज़ा आता है। और थोड़े ऊपर साइड जाओ तो पार्क टाइप भी है, तो ओवरऑल ये फैमिली के लिए तो बेस्ट स्पॉट है।